बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहबाद लाडवा रोड पर पेट्रोल पंप के पास किया रोष प्रदर्शन। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं शाहबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहबाद लाडवा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बातचीत करते कहा, बीजेपी सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल व डीजल पर करों में बार बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल व डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत बीते दिन 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने के कगार पर है। उन्होंने बताया, पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ और ईंधन की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में पेट्रोल पंपों के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। आइए देखते हैं शाहबाद से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट। आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी सहजा, हमारी अध्यक्ष और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हमने भी शाहबाद में प्रदर्शन किया। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट किस तरह से बढ़ा दिए हैं। कहीं कहीं पर तो पेट्रोल के रेट 100 रुपये से भी ऊपर हो गए हैं। हमारे किसान जो पूरे 7 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके खिलाफ पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए थे, जबकि हमारे किसान कहते हैं कि ये कृषि कानून हमारे हक में नहीं है, तो बीजेपी सरकार क्यों उनके साथ धक्का कर रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट, जब भी किसान की बुआई और रोपाई का टाइम आता है तो बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट 1-2 रुपये पर बढ़ा देती है और आगे पीछे कम कर देती है। मैं हमारी कांग्रेस सरकार की तरफ से, हम सभी पूरे कांग्रेसी ये डिमांड करते हैं मोदी सरकार से कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए जाएं और जिस तरह से एलपीजी गैस के रेट भी बढ़ रहे हैं उसको भी कम किया जाए, क्योंकि एक गृहिणी को भी एलपीजी के बढ़े हुए रेटों के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद जी। ठीक बढ़िया।